नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की। उज्जैन जिले के रागवी थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आमजन के स्वास्थ्य एवं जीवन को लेकर प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होने की संभावनाओं को देखते हुए रागवी थाना प्रभारी उमेंद्र सिंह बौराना एवं सहायक थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह अलावे व उनकी टीम द्वारा ग्रामीणों एवं दुकानदारों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्पीकर द्वारा गांव-गांव जाकर ग्रामीण जनों एवं व्यापारी बंधुओं को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर दूरी बनाए रखने की और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, धारा 144 का पालन करें आदि के बारे में समझाया जा रहा है। जो गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि संहिता 1973 की धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, गैर फाग उत्सव, मिलन समारोह, प्रदर्शन, मेले का आयोजन, धरना आदि नहीं किया जा सकता है। खुले मैदान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने संभावित है बिना अनुमति प्रतिबंधित किए गए हैं। मतलब पाबंदी ये सरकार द्वारा लगाई गई है, डीएम साहब द्वारा इस पर धारा 144 उन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। लोगों को संदेश दिया गया है कि इस प्रकार से इसमें धारा 144 सभी प्रकार के होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन वाले जो भी कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम अब नहीं होंगे। यदि होंगे तो अनुमति ली जाएगी। इसमें संख्या का खुलासा किया जाएगा कि कितनी संख्या में उस कार्यक्रम में लोग प्रतिबंधित हैं। सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिबंधित हैं। यदि कोई करता भी है तो विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करेगा। इसकी संख्या भी जो है वरिष्ठ अधिकारी राजस्व डीएम साहब वगैरह एडीएम साहब जो भी निर्धारित करेंगे, लेकिन अभी तक निर्देशानुसार वो प्रतिबंधित है। उज्जैन जिला क्राइम ब्यूरो, कपिल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला न्यूज। नमस्कार।